गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हनीश बंसल, आई एम योर बिजनेस स्टडी टीचर। एंड स्टूडेंट हाउ आर यू? एंड आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट मेरी गल ध्यान ना सुनो, अज आप चैप्टर करांगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह होंगे कि आप जड़ा बिजनेस किस किस टाइप का हो सकता है, तो बिजनेस के किड़े किड़े टाइप के मैरिट्स डीमैरिट्स की कंडीशन ये आदियां ने, कि चीज़ा ये इनकलूडड होंदिया ने, कि नहीं होंदिया, ये सारिया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आदियां ने। स्टूडेंट हूँ देखो आप स्टैप बाय स्टैप सारी चीज़ा पढ़ा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए पहला इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ांगे। इंट्रोडक्शन पार्ट दे विच देखो कि बिजनेस जिहड़ा एंटरप्राइज है उहदे विच बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस होंदे ने, अलग अलग एंटिटियां होंदियां नेगियां। फिर इन्हां नूं आपां ब्रॉड तीन कैटेगरी दे विच वंडिया होया कि कीहड़ी कीहड़ी कैटेगरी च वंडिया होया आपां ने, एक तां प्राइवेट सैक्टर, एक पबलिक, एक जॉइंट सैक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज किहड़े होंदे नेगे? द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब प्राइवेट सैक्टर का मतलब ही होंगे जोड़े बंदे काम कर रहे हैं उन्होंने सारा कंट्रोल मैनेज करना, तो मालकाना हरकत जताना सारी चीज़ा की है प्राइवेट सैक्टर वाले बंदे करते हैं, उन्होंने की बोलते हैं प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज। जिमें रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी है, सारी की है प्राइवेट सैक्टर कंपनियां ने। ठीक है, हुण पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज दे विच की आ जांदा है? देखो द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओल्ड कंट्रोल आर मैनेज बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। इहदे विच गवर्नमेंट का कंट्रोल ते मैनेज सिस्टम इन्हां दा हुंदा है, तो उहनूं बोल दांगे पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो इहदे विच किहड़े किहड़े एग्जाम्पल आ जांदियां ने, जिवें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यह सारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, ये सारी की है पब्लिक सैक्टर के आ जाएं ने। जॉइंट सैक्टर किहड़े होंदे ने? द बिजनेस एंटरप्राइज विच ओन एंड कंट्रोल मैनेज जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्राइज और गवर्नमेंट। जिन्हां दा कुछ पार्ट प्राइवेट सैक्टर के होंगे, कुछ कंट्रोल्ड गवर्नमेंट का होंगे, तो वह कि चाहते ने जॉइंट सैक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, अगे देखो। ठीक है, इन दिस एंटरप्राइज डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन हैंड ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, वेयर एज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सारी चीज़ा ये आ जाएं ने। ठीक है, अगे आप पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज। हूँ जी कि प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज की कि टाइप के फॉर्म्स हो सकते हैं, हूँ आप डिटेल च पढ़ा। यह सारिया चीज़ा सोल प्रोपराइटरशिप, जो हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कंपनियां सारिया चीज़ा कि आदियां ने प्राइवेट सैक्टर एंटरप्राइज आदियां ने। तो स्टूडेंट हूँ देखो सब तो पहला आप पढ़ाएंगे सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप की हुंदा है? देखो सोल प्रोपराइटरशिप का मतलब हुंदा है, ध्यान ना सुनो, ये ओन्ड मैनेज्ड ते कंट्रोल्ड की एक सिंगल इंडिविजुअल बंदे कोले हुंदा है, उन्हों की बोलांगे आपां सोल प्रोपराइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सारा दा सारा कंट्रोल्ड मैनेज कंट्रोल एक ही बंदे दे हाथ च होवे, उन्हों सोल प्रोपराइटरशिप बोलांगे। क्लीयर है गल? हुण आ जाओ अगे फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर दे विच देखो फीचर ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप दे विच की आता है? फीचर तो तुहानू पता ही है, इहदा मतलब हुंदा फायदे। ठीक है, कि इहदे विच सिंगल ओनरशिप हुंदा, मतलब इक्को ही बंदा इहदे विच की हुंदा है मालिक हुंदा है। मतलब देखो द सोल प्रोपराइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल ओनली, ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरड फंड्स। कल्ला ही ओनर हुंदा, कल्ला ही मालिक हुंदा, इहने कल्ले ही नहीं कैपिटल लगाई हुंदी है, आपदी पूंजी लगाई हुंदी है अपने बिजनेस च, इन्ना इहदी खुद ही ओन की हुंदी है वैल्थ हुंदी है। क्लीयर है गल? फॉर्मेशन एंड क्लोजर, दे आर नो लीगल फॉर्मैलिटी, इहनू खोलण वास्ते कोई लीगल फॉर्मैलिटी नहीं करनी हुंदी, ये कदों मर्जी स्टार्ट कर सकदा है, कदों मर्जी आपदा बिजनेस क्लोज कर सकदा है। यदि कोई सैपरेट लॉ नहीं हुंदा इहनू कोई खोलण दा कि हाँ भी ये रूल एंड रेगुलेशन पास करन गएंगे, पर कोई कोई सोल प्रोपराइटरशिप दे विच कोई 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 जगह ते लाइसेंस जरूरी हुंदा, पर हर जगह ते लाइसेंस जरूरत नहीं हुंदी। ज़्यादातर जड़े 90% बिजनेस हुंदे ने ओह ज़्यादातर बिना लाइसेंस तो ही हुंदे ने अजकल, ते इह जड़े भी कुछ हैगियां ने जगह जिहदे विच लाइसेंस की जरूरत पैंदी है सोल प्रोपराइटरशिप दे विच,
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ। ਦੇਖੋ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਗਾ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਣਦਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਡੈਬਟ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਸਿਸ, ਇਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੈਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਆਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਮੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੂ ਪੇ ਆਫ ਦਾ ਲਾਇਬਿਲਟੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਵਿਕੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਰਿਸਕ ਬੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੋਲ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਬਾਏ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਸਕ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਸੋਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਇਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਓਨਲੀ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰ ਲੋਸਿਸ ਹੀ ਸ਼ੀ ਅਲੋਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਅਰ ਦੈਮ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਨ ਮੈਨ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਨ ਮੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਨ ਮੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਨੋ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੋ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਡ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ ਸੈਪਰੇਟ ਲੀਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਲੈਕ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਓਨਰ ਆਰ ਵਨ, ਸੋ ਡੈਥ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ, ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਓਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਮਪੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਮਪੈਕਟ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਦਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਓਪਰੇਟ ਓਨ ਏ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਓਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਓਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਉਨੇ ਕੁ ਉਹ ਫੰਡ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਚਲਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਰਿਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ।
क्विक डिसीजन होंगे ने। क्विक डिसीजन मतलब कल्ला बंदा काम कर रहा है, तो कल्ला बंदा काम कर रहा है तो वो जो डिसीजन होने वो भी की होने जल्दी होने। उन्होंने किसी तो पूछने की सलाह लैन की किसी होर बंदे की इजाजत लैन की लोड़ तो नहीं हैगी, इसलिए वो कल्ला बंदा काम कर रहा है, इसलिए वो जो डिसीजन होने वो की होने फास्ट होने क्विक होने। मतलब इन मेरिट्स एडवांटेजेस मतलब की होर को फायदे की ने। क्लीयर है गल, आ थोनू क्लीयर हो गया। अगे देखते हैं आप नैक्सट पॉइंट, अगे देखो एडवांटेजेस दे नैक्सट पॉइंट की आंदा है, कॉन्फिडेंटली। अगे देखो ये की हों, द सोल प्रोपराइटर आर नॉट एक्सपैक्टेड टू शेयर द सीक्रेट्स विद अदरस। ठीक है, ये की हों, आपके जोड़े ऑर्गनाइजेशन के जोड़े आपके उन्हें बिजनेस चालू किया हुआ वह कोई सीक्रेट अदर न दसन की लोड़ नहीं होंगी, वो कोई लीगल कंपल्शन नहीं होंगी कि मैं इन दसा उन्होंने, कोई ये नहीं होंगे कि मैं लोगों ये पब्लिश कराँ कि मैं अपने हिसाब किताब लोगों दिखावा जोड़ा मैं बिजनेस कर रहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कोई रूल नहीं है कि हाँ भी लोगों तो अकाउंट्स के हिसाब किताब दिखा, क्योंकि वो खुद के हिसाब किताब ने वो। ठीक है, वह आपदे आप की सिक्रेसी को ईजीली मेनटेन कर सकता है, तो अपनी जी कॉम्पीटिशन स्ट्रेंथ को की है बैटर बना सकता है, यू बोलते हैं। हुण ये पॉइंट दे विच की है, ये विच ए है जिहड़ी उहदी सीक्रेसी है बिजनेस चलाउण दी, वो सीक्रेसी किसी नूं दस्सण दी लोड़ नहीं, आपदी बिजनेस दी स्ट्रेंथ नूं वधा सकदा है, उहनूं आपदे हिसाब किताब लोकां नूं दिखाउण दी लोड़ नहीं हैगी। ये वाला पॉइंट ये अंदर आ जाता है, इहनूं बोलते ने कॉन्फिडेंटली। क्लीयर है गल। अगे आंदा डायरैक्ट इनसेंटिवस। डायरैक्ट इनसेंटिव दे विच की आंदा है, ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज़ अ डायरैक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवार्ड, विच मीन्स इफ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट दैन प्रॉफिट इनक्रीज, द प्रोप्राइटर गेट एक्स्ट्रा इनकम, सो प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवार्ड। डायरैक्ट इनसेंटिव हुंदा है, डायरैक्ट इनसेंटिव का मतलब की होया, डायरैक्ट इनसेंटिव का मतलब ये होया कि अपना जड़ा रिलेशनशिप है वह लोगों नाल, जड़े भी लोग ने गे हुण कस्टमर ने गे उन्हां नाल की हुंदा डायरैक्ट इंटरैक्ट करता, बट जड़े फायदे हुंदे ने उन्हां तो, चाहे जिन्नी वह बिजनेस ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, बिजनेस जिन्नी मेहनत करेगा उन्ने ज़्यादा वह बेनीफिट लेगा। मैं कहने ना कि जिन्ना ज़्यादा आप मेहनत करा उन्ना ज़्यादा फल मिलना है, वही हालात है जो बिजनेसमैन जो अगर अपनी शॉप खोल रहा है जो अपना कोई बिजनेस खोल रहा है, उत्थे जिन्ने ज़्यादा एफर्ट दिखाएगा जिन्नी मेहनत वह ज़्यादा करेगा उन्ना उन्होंने ज़्यादा फल मिलेगा, तो वह आ जाता है डायरैक्ट इनसेंटिवस। हम थोड़ा स्टूडेंट ये सारे पॉइंट तुम पहला पढ़े होने, पर मैं थोनों बुक वाइज पढ़ा रहा कि हर चीज़ थोड़ा कलैरिटी ना दस रहा पहला जड़ी, हूँ मेरा ये लैक्चर सारे लगाने बहुत जरूरी ने, जो थोड़ा को 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगे आ जाता है सेंस ऑफ अकोमलिशमेंट। अगे देखो सेंस ऑफ अकोमलिशमेंट की होंगे, देयर इज़ ए परसनल सैटिस्फैक्शन इनवॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ, द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट आल्सो इंस्टिल्स इन द इंडिविजुअल ए सेंस ऑफ अकॉम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। हुण ए पॉइंट च की है, उन्हों खुद नू परसनल सैटिस्फैक्शन होएगी, किमें होएगी, उन्हों पता है कि उन्हें बिजनेस से किन्ना उन्हें कंट्रीब्यूशन किया, किन्ना उन्हें नहीं किया, किन्नी उन्हें मेहनत की है, किन्ना उन्हें कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्हों सारा कुछ पता है, उन्हों सेल्फ सैटिस्फैक्शन रहेगी कि बिजनेस किमें है किमें नहीं। ठीक है, जिनी मेहनत करेगा उस हिसाब नाल उन्हों प्रॉफिट होना, उन्हों उन्ना ही कॉन्फिडेंस आना। ठीक है, हिसाब नाल सेंस ऑफ अकॉम्पलिशमेंट आ जाता है अंदर। ठीक है, ये जो काम होएगा उन्हें वर्किंग अपनी वन सेल्फ के अकॉर्डिंग करना है, तो जितना होगा उन्होंने पता होगा मेरा जोड़ा बिजनेस है मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं पता है कि बिजनेस में मैं किमें चला रहा, तो ये किसी होर की इनवॉल्वमेंट नहीं हैगी, जोड़े डिसीजन हो रहे होने वो मेरी हो रहे होने, इसलिए ये पॉइंट ये अंदर आ जाता है। समझ आ गई सारा। अगे देखो अगे ईजी टू फॉर्म डिसोल्व, ईजी टू फॉर्म डिसोल्व वाला पॉइंट की है। देखो ए सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज ईजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटी आर इन्वॉल्वड इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट गवर्नड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ।
ठीक है। द सोल प्रोप्राइटर कैन क्लोज द बिजनेस वेन एवर ही डिजायर विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। इट कैन बी क्लोज बाय पेइंग बैक इट्स डेब्ट। कहते ये जो बिजनेस है ये अपना बिजनेस कदों मर्जी चला सकता है, कदों मर्जी बंद कर सकता है, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी ये अंदर नहीं होंगी हैगी। इन्हें कोई बिजनेस आपका लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलाना होंगे, बट ये जड़े भी बिजनेस में क्लोज उदों ही कर सकता है जो सारे दे सारे डेप्ट पे कर देगा। बस ये होंगी है अंदर। क्लीयर है गल सारू? तो ईजी टू फॉर्म एंड डिसोल्व वाला पॉइंट क्लीयर हो गया होगा सारू। अगे देखो, डिसएडवांटेजेस डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म किया। पहला पॉइंट देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरिंग्स। देयर इज ए लिमिट टू द क्रेडिटराइजिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पर्सन। दिस रिड्यूस द स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। द फंड आर नॉट सफिशेंट फॉर मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। इन्हों के जोड़े रिसोर्स होंगे ने ना, वो लिमिटेड होंगे ने। किमें? वो जिन्ना पैसा होगा, जिन्ने वो रिसोर्स होने, वो उन्ना ही पैसा लगा पाएगा। ये अपने बिजनेस में होर नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो फंड उन्हें खुद ही उन्हें को जिन्नी कैपेसिटी है उस हिसाब न उन्हें लगाते। होर पैसा तो कितों आ नहीं सकता। जोड़े बड़े बिजनेस है उन्होंने कॉम्पीटिशन भी नहीं कर सकता, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यह अब चल भी नहीं सकता। इसलिए यह लिमिटेड रिसोर्स वाला पॉइंट ये अंदर आ जाता है। अगे देखो सारे कि लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डिपेंड अपॉन वन पर्सन ओनली। ये सारी जड़ी भी फर्म है वो कि डिपेंड करती है, इक्को ही बंदे ते डिपेंड करती है। अगर वो बंदा बीमार हो जाता है जा दिवाला निकल जाता है जब बिजनेस, तो वह बिजनेस बंद हो जाता है। तो इसकी जोड़ी बिजनेस की लाइफ है वो की है? लिमिटेड है। बिजनेस की लाइफ जोड़ी वन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म च होंगी वो की होंगी है? लिमिटेड होंगी है। जोड़ी मैं थोड़ा पंजाबी गल् दस रहे ना, छोटी छोटिया इन्हों के उत्ते केस स्टडी आती है जोड़े थोड़ा उसके अकॉर्डिंग आंसर देने होंगे ने। हम थोड़ा केस स्टडी से भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कि बिजनेस है जिद्द बिजनेस की लाइफ लिमिटेड होंगी है, तो थोड़े वो टिक करना जा इसलिए आंसर देना। ये सारिया चीज़ा ध्यान से सुनया करो जी, कल्ले कल्ले पॉइंट मैं तुम्हें समझा रहा। अगे देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की होंगे? द सोल प्रोपराइटर इज़ परसनली लाइबल फॉर आल डेप्ट। कहते जोड़े सोल प्रोपराइटरशिप होंगे ने, प्रोपराइटर होंगे ने, वह सारे के सारे जोड़े डेप्ट होंगे ने परसनली लाइबल होंगे ने उस चीज़ वास्ते। इन केस ऑफ हैवी लॉसिज द प्रोपराइटर विल नॉट ओनली लॉस आल हिज बिजनेस एसेट, बट ही मे हैव टू सैल हिज प्रोपर परसनल प्रोपर्टी टू पे बैक हिज डेप्ट। इन्हों की जो ये पॉइंट मैं पहले भी थोड़ा डिस्कशन कर चुका कि जोड़ी इन्हों की लाइबिलिटी होंगी है वह की होंगी? अनलिमिटेड होंगी है। यह आप जोड़े इन्हों जिन तक इन्होंने लोगों को जो पैसे लेते ने गए तो उन्होंने डेप्ट इन्होंने चुकाने पैणगे, चाहे वह बिजनेस चो चुका चाहे वह आपकी परसनल प्रॉपर्टी बेच के चुका, इन्होंने चुकाने पैणगे। मतलब जोड़ी लाइबिलिटी होंगी वो देनदारी होंगी है, इसलिए यह अनलिमिटेड होंगी है। समझ आई गल? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट की है, लिमिटेड मैनेजरल स्किल। इन्हों के जोड़े मैनेजरल स्किल्स होंगे ने वो की होंगे ने? लिमिटेड होंगे ने। क्यों? हुण जिहड़ा बंदा काम कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप च उहदा ही दिमाग चलूगा, उहदे अंदर जिन्ना ज्ञान होगा जिन्नी स्किल्स होगी उही बंदा उही यूज़ करेगा, होर तो वह बाहरों का कोई स्किल लिया नहीं सकता। इसलिए कई बार तो बहुत सारे टास्क हो जाते हैं जिदे उन्होंने ओवरबर्डन लगन लग जाता है, जिद नाल होता करके वह सारे काम सारी फील्डा के एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए इन्हों के जोड़े मैनेजरल स्किल्स होंगे ने वो की होंगे ने गे? लिमिटेड होंगे ने गे। तो स्टूडेंट सारे क्लीयर हो गया? अगे देखते आप। तो स्टूडेंट्स हूँ अपने एक टॉपिक किया है जिदा नाम है सोल प्रोपराइटरशिप। हूँ वो रिलेटड आप हम केस स्टडियां पढ़ा। देखो क्वेश्चन किमें आते हैं पेपर के, कहते एक मनोज सीगा, ठीक है, वो मनोज इज़ रनिंग ए जनरल स्टोर अंडर द नेम डेली नीड्स इन ए लोकल मार्केट। ही टेक्स आल डिसीजन अबाउट बिजनेस हिमसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर एंड गेट्स आल द प्रॉफिट एज ए रिवार्ड फॉर बीरिंग द फुल रिस्क। इन द कंटेक्सट ऑफ अबव केसेस,
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਮਨੋਜ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਜਾਂ ਨੀਡਸ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਹੀ ਟੇਕਸ ਆਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਗੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਗਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਚਰ ਲਿਖਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਚਾਰ ਫੀਚਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰ ਫੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਟਾਰਟਡ ਏ, ਦੇਖੋ ਕਨਫੈਕਟਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਊ ਈਅਰ ਬੈਕ, ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲੋਸਿਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਸਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ 4 ਲੱਖ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਫਰਮ ਹੂ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀਨ ਟੇਕਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਹਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੰਡ ਇਜ਼ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂ ਰੀਪੇ ਦਾ ਡੈਬਟ, ਕੈਨ ਸਪਲਾਈ ਰਿਕਵਰ ਦਾ ਫੰਡ ਫੋਰ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੈਟ ਇਨ ਆਰ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂ ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਡੈਬਟਸ, ਵਾਈ ਔਰ ਨੋ ਵਾਈ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੋਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਧਾਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੈਸ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰੇਟਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਏ ਮੈਂਬਰਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬਾਏ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਦਾ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜਿਸਟ ਅੰਡਰ ਹਿੰਦੂ ਲਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਨੂੰ ਐਗਜਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ MCQ ਟਾਈਪ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਮਸਟ ਬੀ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੇ, ਐਗਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਮ ਐਂਸਟਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਐਂਸਟਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਐਂਸਟਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਬਾਏ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ,
द मेंबर हु शेयर्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर इंटाइटल टू गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज नोन एज कॉम्प्रेंसर्स। ठीक है, तो सिंपल जी गल है, ये की है, दो मेल मैंबर होने जरूरी ने, ये जी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए है। ठीक है, जी पूर्वजा तो चलती आ रही है प्रॉपर्टी। ठीक है, ओह तो यू आप बोलेंगे कोपरेंसर्स। क्लीयर है गल। अगे देखो फीचर्स की ने गे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स, ध्यान ना सुनो। तो स्टूडेंट्स एक वर्ड आया सीगा कोपरेंसरी, इसका एदा मीनिंग है समझा रहे हैं। कहते कोपरेंसरी द मीन द ए कॉमन ओनरशिप इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोपरेंसरी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कहते कहते यह ज़्यादातर जिद कि द्वारा क्रिएट होया, लॉ द्वारा होया, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कोई लॉ द्वारा क्रिएट होया। ठीक है, ये की होंगे अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल गैट राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इमीडिएटली आफ्टर, जो इस खानदान के इस फैमिली के किसी का जन्म होंगे, जन्म तो बाद ही प्रॉपर्टी के की हो जाता है, उनका राइट हो जाता है। ठीक है, दैट परसन इज नोन एज कंपेंसर कंपेंसरनर। ठीक है, इस इनू दूजे नाम नाल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ते कहिंदे ने। क्लीयर है सानू सारयां नू। अगे देखते आप, अगे पढ़ते हैं। अगे देखो फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सब तो पहला पॉइंट जिहड़ा हैगा है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की है, हुण फॉर्मेशन का मतलब ही समझ लो, फॉर्मेशन का मतलब होंगे जिहड़ा हुण आपां कोई बिजनेस है उहनूं किवें बनाना होंदा, उहनूं फॉर्मेशन बोलते हैं। एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट, किन्ने मैंबर होने चाहिए ने, दो, घट्टो घट्ट दो मैंबर तो उस बिजनेस, जिवें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, उहदे विच घट्टो घट्ट दो मैंबर तो होने चाहिए ने इन द फैमिली एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय दैम। उन्हां कोले फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए है जो इनहेरिटेड होवे, मतलब पूर्वजा तो मिलती आ रही होवे। बिजनेस डज नॉट एक रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मैंबरशिप, जोड़े मैंबर होंगे उन्हों तो कोई एग्रीमेंट नहीं होंगे, इन्ह का बर्थ तो बाद ही उस प्रॉपर्टी के हो जाता अधिकार हो जाता है। ये कौन कहता है, हिंदू सुसैशन एक्ट 1956 है। समझ आ गई सारे नू। अगे देखो लाइबिलिटी की होंगी है, लाइबिलिटी का मतलब होंगे देखो कि द लाइबिलिटी ऑफ करता। करता देखो जोड़ा बंदा फैमिली का हैड होंगे ना, ओह हूँ फैमिली का हैड जिदे सब तो बड़ा जोड़ा मैंबर होएगा फैमिली का हैड, उन्होंने करता बोलेंगे आप। द लाइबिलिटी ऑफ करता इज अनलिमिटेड, ये भी लाइबिलिटी ऑफ करता की होंगी है अनलिमिटेड होंगी है। वेयर एज लाइबिलिटी ऑफ आल अदर मैंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन द बिजनेस, द करता लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो हिज परसनल एसेट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर पेइंग बैक एंड डेब्ट फॉर द बिजनेस। एक गल ध्यान रखियो, जिहड़ा घर का मुखिया होंदा है जां फैमिली का करता बिजनेस का की होंदा हैड होंदा, वह बंदा उहदी लाइबिलिटी की होएगी, देनदारी की होएगी अनलिमिटेड होएगी। तो बाकी जिहड़े मैंबर होणगे जिन बर्थ तो बाद उन्हां दा अधिकार तो होया जरूर है, पर बाकी जिहड़े मैंबर होणगे उन्हां दी लाइबिलिटी की होएगी लिमिटेड होएगी, मतलब बाकी मैंबरां दी कोई परसनल प्रॉपर्टी जायदाद नहीं जब्त की जाएगी, पर सिर्फ कर्ता दी प्रॉपर्टी जायदाद जब्त की जाएगी जो उहदे नाम ते है। तो ये सारी चीज़ां इहदे विच आ जांदियां नेगियां। अगे आंदा कंट्रोल, जिहड़ा कंट्रोल वाला पॉइंट देखो, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय सीनियर मोस्ट मैंबर ऑफ द फैमिली, उन्होंने की बोलते हैं, हु इज़ कॉल्ड करता। इन ज़्यादातर कौन मैनेज तो कंट्रोल करता है, ठीक है, सीनियर मैं सीनियर जोड़ा मोस्ट सीनियर मैंबर होंगे। ठीक है, ओनली द करता हैज़ लीगल राइट टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, जड़ा करता होंदा उहदे कोल लीगल राइट होंदा, वो आउटसाइडर वाले बंदियां नाल की कर सकदा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकदा। ही ओनली टेक आल द डिसीजन ऑफ द बिजनेस, अदर मैंबर हैव नो राइट टू टेक डिसीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली
बिजनेस एक गल पॉइंट नूं ध्यान नाल पल्ले बन लो कि जिहड़ा कंट्रोल होएगा वह सिर्फ करता दा होएगा, उही अदर बंदियां नाल बिजनेस करेगा, उही अदर बंद सारे डिसीजन उही लेगा, ते बाकी मैंबरां दा कोई राइट नहीं, कोई मैनेज उहदे विच कुछ नहीं, उह मतलब मैनेज कर सकते ना, उह किसे नाल कोई डिसीजन लै सकते, ठीक है। इसलिए याद रखना कर्ता दा ही हुंदा माइनर मेंबर। इन अगला पॉइंट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज चाइल्ड बिकम ए मेंबर बाय बर्थ ओनली, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ए माइनर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द। माइनर बंदे वो होंगे नेगे जो जिन्हें दी उम्र 18 साल तो घट होवे उन्हें माइनर बोलते हैं। हुण इन्हां ने पूछा कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली दे विच जिहड़ी ज्वाइंट हिंदू फैमिली दे विच माइनर बंदे मैंबर हो सकते हैं इस बिजनेस दे, इहदा आंसर है यस। क्यों? क्योंकि उन्हां ओह उदों ही मैंबर बन जाते हैं जदों उन्हां दा जन्म हुंदा है। क्लीयर है गल इस फैमिली च? आई होप है तुहानूं पॉइंट क्लीयर हो गया होना। देखो इस जड़ा हुण आपां पॉइंट पढ़िया इहदे बिहाफ ते इक केस स्टडी दित्ती हुई है। मिस्टर जड़ा सुमित ग्रोवर सी ओ ओनज एन एंसल हाउस इन गोवा। ओन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड ही कन्वर्टेड इन टू ए होटल आफ्टर रेनोवेशन। द होटल वॉज रनिंग स्मूथली एंड रेवन्यू फ्रॉम द होटल हेल्प टू इनक्रीज हिज इनकम। ओन द डेथ ऑफ प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय हिज 3 सन्स, एल्डेस्ट सन राज, सेकेंड समीर एंड यंगेस्ट सन राहुल, हु कंटिन्यू ऑफ बिजनेस है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेम द लॉ विच गवर्न द हिंद कौन कि लॉ इनू केस स्टडी नू ज़्यादा केस स्टडी तो सारे समझ आ गई होनी, ठीक है। तो ये हिंदू सुसैशन एक्ट इनू कहता है, ठीक है। हु अमंग द थ्री ब्रदर हैज़ राइट टू कंट्रोल द, किड़े ब्रदर ने कि आही 3 ब्रदर, पर ये जड़ा सब तो बड़ा होएगा उन्होंने की बोलेंगे आप करता। हूँ ये सब तो एल्डेस्ट कौन सीगा? राज, ता राज नूं आपां की बोलेंगे करता। मैं तुहानूं कहा सी मोस्ट सीनियर परसन ही करता हो सकता है। राज करता विल हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो राज की ये विच की होगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, बाकियों की नहीं, बाकियों की लाइबिलिटी की होगी लिमिटेड होगी। आई होप सारे नूं ये कंसैप्ट पूरी चंगी तरह क्लीयर हो गया होना। अगे देखो नैक्सट टॉपिक अपना आ जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की होंगी है? पार्टनरशिप का सिंपल जहा मीनिंग है दो या दो तो वध बंदे मिलके जगर एक बिजनेस नू चलाते हैं गे फर्म चलाते हैं तो उन्होंने की बोलते हैं गे पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप की होंगी? पार्टनरशिप इज़ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्माल स्केल एंड मीडियम स्केल। जड़ी पार्टनरशिप स्माल स्केल च भी हो सकती है, मीडियम स्केल च भी हो सकती है, ठीक है। ये की होंगे एक बंदा काफ़ी नहीं होंगे, ये दो या दो तो वध बंदे जगह बिजनेस काम करते हैं या चलाते हैं स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो उन्होंने की बोलेंगे आप पार्टनरशिप। पर पार्टनरशिप जी होंगी सोल प्रोपराइटरशिप तो की होंगी है वड्डी होंगी है लार्ज होंगी है। क्लीयर है गल? ये डेफिनेशन याद रखनी है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो मैं बार बार सारे कह रहा कि यह जी बुक है पूनम गांधी की बुक है, तो यह सारे बुक यूज़ करनी है। बाकी बुक अगर तुम देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो ही जाओगे कि आ कितने अपॉइंट वो कितने अपॉइंट, इसलिए सारे ने पूनम गांधी वाली बुक लेनी है तो वही यूज़ करनी है। क्लीयर है सारे? अगे देखो स्टूडेंट्स फीचर्स की ने गे पार्टनरशिप के, हूँ थोड़ा मीनिंग तो पता लग गया। ये दो या दो बद तो बद बंदे मिलके जो बिजनेस चलाते हैं या बिजनेस मैनेज करते हैं फाइनेंस रिसोर्स परपज से चलाते हैं कोई भी, तो उन्होंने की बोलेंगे आप पार्टनरशिप बोलेंगे। अगे देखो स्टूडेंट्स फीचर्स की ने फॉरमेशन। फॉरमेशन मैं पहले ही थोड़ा दसा सी फॉरमेशन का मतलब कहता किसी बिजनेस में किमें चलाया जाता है, ठीक है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रखना जोड़ा पार्टनरशिप एक्ट बनया सी 1932 का एक्ट बनया सीगा। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरस, ठीक है। ये जोड़ा कदों आया सीगा लीगल एग्रीमेंट ये होंगे पार्टनरस के कि मतलब आपस से की करते हैं लीगल एग्रीमेंट करते हैं
कि हाँ भी बिजनेस असं इन्ना प्रॉफिट लवेंगे तो इन्ना लेंगे, यह आपस च लीगल एग्रीमेंट होंगे। उन्होंने की बोलते हैं आप पार्टनरशिप डीड, मतलब मैं जिमें मैं लगा लो तीन बंदे ने ए बी सी, वो आपस च की करते हैं एग्रीमेंट करते कि मैं इन्ने पैसे लगाऊंगा, इन्ने लगाऊंगा, इन्ने लगाओ, फिर वो कहूगा कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, तो मैं ये प्रॉफिट लूंगा, मेरा ये प्रॉफिट होगा, तो ये सारी चीज़ें ये तय करते हैं। उन्होंने की बोलते हैं आप पार्टनरशिप डीड, ये एग्रीमेंट की तरह ही होंगे। क्लियर है गल? अगे देखो, इन अगे देखो सारे कि एग्रीमेंट तो बाद किया गया, इन दिस एग्रीमेंट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर द रेशो ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आर लॉसेस आर स्पेसिफाइड। ठीक है, फिर ये एग्रीमेंट सारी चीज़ा स्पेसीफाई होंदिया ने कि किन्ना लॉस कौन बियर करेगा कौन नहीं, सारी चीज़ें ये स्पेसीफाई की जाए ने। एक गल होर ध्यान थोनों मैं दवाना चाहना इस पॉइंट तो हट के कि देखो सारे स्टूडेंट कि आप थोड़ी सी प्लस वन कर रहे हो, ठीक है, सारे बच्चे कईयां नू मतलब ये लग रहा है कि मतलब क्लास नहीं लगावांगे तो साडा चल जूगा, असं बाद च देखांगे, एवें कुछ नहीं हैगा, सारी क्लासा लगानियां पैणगियां। कमर्स कोई आसान सब्जेक्ट नहीं हैगा, कोई आसान चीज़ नहीं हैगी जड़ा तुसीं भी मतलब बिना पढ़े ही सारी चीज़ें हो जाएगी। हरेक नू क्लास कल्ली कल्ली लगानी पड़ेगी, हरेक नू पॉइंट समझने पैणगे। अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम आती है तुसीं बेझिझक मैनू फोन कर सकते हो कि आह वाला पॉइंट नहीं समझ आया, तो तुसीं मेरे तो समझ सकते हो। क्लीयर है गल? बट क्लास लगानी सारे ने कंपलसरी है। क्लीयर है गल? तो हुण आह वाला जिहड़ा पार्टनरशिप वाला सिस्टम आपां चला रख्या है, ये पार्टनरशिप वाला यही सिस्टम है कि जिहड़ी फॉर्मेशन होंदी है 1932 दे अकॉर्डिंग होंदी है, ते उहदे विच जिहड़ा एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनरशिप डीड बोलते हैं गे, उहदे विच सारी चीज़ां डिसाइड होंदी है कि किन्नी रेशो बंडांगे किन्नी इहदे विच नहीं बंडांगे, सारी चीज़ां इहदे अंदर डिसाइड हो जांदियां ने। अगे आ जाता द पार्टनर मस्ट एंटर इन टू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग ए लॉफुल बिजनेस रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इन जो इन्हों का बिजनेस होगा वो लॉफुल ही होगा, एक गल याद रखना, अनलॉफुल बिजनेस नहीं चला सकते ये, पर उन्हों का मकसद की होगा प्रॉफिट कमाना ही होगा। ठीक है, तो अगे आ जाते इस मतलब अनलॉफुल बिजनेस की आ जाता रोबरी करना स्टीलिंग गैम्बलिंग ये सारी चीज़ा पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चला सकते इन्हों चीज़ों से। इसलिए सिंपल जी गल है, हुण मैं थोड़ा ये फॉर्मेशन दोबारा रिवाइज़ करा दिना। ये फॉर्मेशन जड़ा होंदा है वो 1932 के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होंदा, जिहड़े पार्टनर आपस में मिलके की करते हैं एग्रीमेंट करते हैं कि जिहदा नाम है पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, वो तय करते हैं कोई किहड़ा बंदा किन्ना प्रॉफिट लेगा, किहड़ी रेशो चलेगा, किहड़ी टर्म्स एंड कंडीशन ने, सारी पार्टनरशिप डीड दे विच की हुंदी है तय हुंदी है। फिर उस तो बाद की हुंदा कि वो जिहड़ा बिजनेस चलाएंगे वह लॉफुल चलाएंगे, तो उन्हों का मकसद प्रॉफिट मोटिव की होएगा प्रॉफिट कमाना होएगा, वो अनलॉफुल बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक है, तो अनलॉफुल बिजनेस उन्होंने मैं दस ही दिते, रोबरी, ठीक है, स्टीलिंग गैम्बलिंग ये सारी की अनलॉफुल बिजनेस ने, तो सारे ये पॉइंट क्लीयर हो गया होना। अगे आ जाता स्टूडेंट्स लाइबिलिटी की होंगी है, तो लाइबिलिटी का मतलब होंगे, लाइबिलिटी तो थोड़ा पहले ही पता है, लाइबिलिटी का मतलब देनदारी होंगी है। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मैंबर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ अनलिमिटेड, द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली कलेक्टिवली लाइबल टू पे बैक द डेब्ट्स ऑफ द फॉर्म एट द टाइम ऑफ लॉसेस इफ द फॉर्म एसेट्स आर नॉट सफिशेंट टू पे बैक द डेब्ट, देन द क्रेडिटर कैन हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, ये भी की होंगे जी लाइबिलिटी होंगी है वह की होंगी अनलिमिटेड होंगी है, ये भी लाइबिलिटी की होएगी अनलिमिटेड होएगी। अगर मान लो कोई फर्म मतलब कोई पैसे नहीं इनसफिशेंट हो जाती है पैसे नहीं चुकाती, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के की कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी जोड़े दूसरे बंदे हो रिकवर कर सकते हैं गे, तो ये वाला पॉइंट लाइबिलिटी के आ जाता है। क्लीयर है स्टूडेंट सारा? अगे आता रिस्क बेयरिंग वाला पॉइंट, द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द रेशो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। कहते रिस्क बेयरिंग की होगा, उन्होंने जी रेशो जिमें एग्रीमेंट च पार्टनरशिप डीड के पहले डिसाइड होगी उन्होंने एग्रीमेंट रेशो। ठीक है,
उसके मुताबिक की है, इफ इन केस नो रेशो इज स्पेसिफाइड एग्रीमेंट दैन द प्रॉफिट इज इक्वली डिवाइड। अगर मान लो इन्ह ने रेशो नहीं डिसाइड की तो इन्हों की जो प्रॉफिट होगा इक्वली डिवाइड होगा। हूँ तुम सोच रहे होंगे कि चल रहा पॉइंट चो, हम मैं तुम्हें इनू पंजाबी से समझाना। देखो तीन बंदे ने, तीन बंदे बिजनेस करते हैं। उन तीन बंदे दे विच एक बंदे ने आपकी पूंजी लगाई है 5 लाख, एक बंदे ने लगाई है 3 लाख, एक बंदे ने पूंजी लगाई है 1 लाख रुपया, बिजनेस पैसे लगाए ने। हुण उन्हां ओह कह रहे ने कि ए बंदा कह रहा है कि मैं तां मेरी जे मतलब रेशो थोड़े तो ज़्यादा होएगी, भी उस तो घट सी उस तो घट, मतलब वो रेशो डिसाइड कर लेंदे ने। आपां भी 4-3-2 दी रेशो दे हिसाब नाल, 4-3-2 दी रेशो दे हिसाब नाल आपां की करांगे, आपां पैसे वंडिया करांगे। मान लो 10 लाख रुपया प्रॉफिट होया तां 4-3-2 दी रेशो मतलब की होया, 4/9, ठीक है, 4 और +3+2 आप डिनोमिनेटर च लिखा 9, ठीक है, 4 वह हिस्सा होएगा, 10 लाख मल्टीप्लाई 4/9, एवी बी नू आएगा 10 लाख मल्टीप्लाई 3/9, ठीक है, एवं अगर सी नू आएगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/9, इस हिसाब न हिस्से बढ़े जाएंगे। तां उस हिसाब जगह ये हिस्से नहीं मतलब डिसाइडेड है एग्रीमेंट च, तो उन्होंने जिहड़ा 10 लाख का प्रॉफिट है वो इक्वली ही बंडिया दिता जाऊगा, तो मतलब वो तीन हिस्सों के बंड लेंगे, तो ये वाला पॉइंट ये अंदर आ जाता है। क्लीयर कट समझ आ गया होना थोनों। अगे आ जाता स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट देखो। ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म, दे मे स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाय वन और टू पार्टनर्स, वेयर एज क्रूशल डिसीजन ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। हुण डिसीजन मेकिंग की हुंदी है इहदे अंदर, डिसीजन मतलब किसी भी मुद्दे पर कोई फैसले लेना उहनूं डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। इहदे विच की हुंदे ने, सारे पार्टनर डिसीजन लै सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक एरिया किसी भी डे टू डे जिहड़ी भी मैनेजमेंट हुंदी है उहदे क्रूशल डिसीजन भी इह आप लै सकते हैं, इत्थे कि आपस च कंसल्ट करके सलाह करके ये डिसीजन लै सकते। इहदे विच इह नहीं हैगा कि हाँ भी ये पार्टनर नूं अलाउड नहीं हैगा डिसीजन लैणा, उहनूं अलाउड नहीं, सारे बंदिआं नूं अलाउ हुंदा डिसीजन लैण दा, इसलिए यह पॉइंट इहदे अंदर आ जाता है। तां तुहानूं पॉइंट क्लीयर हो गया होना स्टूडेंट। अगे आ जाती है कंटीन्यूटी, कंटीन्यूटी की हुंदी है द पार्टनरशिप फर्म, देखो कंटिन्यू टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू इट, जे सारे पार्टनर चाहणगे कि कंटिन्यू ही रखना है बिजनेस नूं तां इह कंटिन्यू रहेगा, नहीं अगर सारे पार्टनर कहन अस तां बंद कर रहे हैं तां फिर फर्म बंद हो जाएगी, ठीक है। ये उदों ही बंद हो सकती है जो सारे पार्टनर रिटायर हो जाए जा डैथ हो जाए जा एक पार्टनर ही रह जाए, तो उदों यह फर्म की हो सकती है बंद हो जाती है, तो इसलिए आफ्टर ये कंटिन्यूटी उदों ही रख सकते हैं जब सारे पार्टनर बने रहन, ते एक अद्धा चल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर सारे नहीं जाना है, इसलिए यह कंटिन्यूटी वाला पॉइंट ये अंदर आ जाता है। हुण मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ पार्टनरस, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, पेपर च भी आ सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स की है, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म आर 2 एंड मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इज हंड्रेड सब्जेक्ट टू नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। सिंपल जी गल मैं पंजाबी च समझा रहा कि जड़े पार्टनरशिप दी नंबर है किन्ने फर्म च वध तों वध मैक्सीमम किन्ने हो सकदे है, मिनिमम किन्ने हो सकदे ने, ये दस्सिया इन्होंने, इहदे घट्टो घट्ट 2 मैंबर होने चाहीदे ने, ते प्रिस्क्राइब्ड जिहड़ी आ सैक्शन दे अकॉर्डिंग 100 मैंबर हो सकदे ने। पर एट प्रेजेंट जेकर प्रेजेंट की गल करिए रूल 10 एट कंपनी एक्ट 2014 की गल करिए मैक्सीमम नंबर किन्ने दिते है गवर्नमेंट ने 50 दिते ने। जेकर कंपनी एक्ट 2014 की गल करेंगे तो 50 मैंबर होंगे ने, अगर 464 कंपनी एक्ट 13 की गल करेंगे उदो 100 मैंबर होंगे, घट्टो घट्ट तो उही मैंबर रहेंगे कि 100 ही 2 होंगे ने, घट्टो घट्ट 2, वध तो वध इस सैक्शन के अकॉर्डिंग 100, 14 के अकॉर्डिंग 50, तो समझ आ गया होना एट प्रेजेंट वाला जे कि मिनीम किन्ने मैंबर होंगे ने मैक्सीम किन्ने मैंबर होंगे ने, यह थोड़ा पॉइंट क्लीयर कट समझ आ गया होना। अगे आता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप,
एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। कहिंदे जिहड़े पार्टनर हुंदे ने ओह मालिक भी हुंदे ने गे, ਉਹ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਦਾ ਐਕਟ ਆਫ ਵਨ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਚ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਇੰਟਾਈਟਲ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਇੰਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡਰ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨਾਲ। द कंट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन पार्टनर इज़ बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर। एक बंदे ने भी साइन करते तो वो दूजे बन पार्टनर पर भी की हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, तो उते भी वो जिम्मेदारी हो जाएगी। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर और बाय एनी ऑफ दैम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है, तो पार्टनर ओनर भी हो सकते हैं, ठीक है, एजेंट भी हो सकते हैं, और किसी भी टाइप के एक्ट कर सकते हैं, ये आ जाता है। तो सूँ क्लीयर हो गया होना पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आई होप सारे समझ आया होना। तो जोड़े नैक्सट अगे टॉपिक ने गे आप अगली क्लास करा। तो मेरी गल सुनो सारे स्टूडेंट, ये सू क्लास लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले तुम क्लास लगा चुके हो, बट हूँ थोनों स्टैप बाय स्टैप बुक के भी जोड़े कंटेंट दिते हुए हैं वो कोडिंग करवाया जा रहा है। तो प्लस थोनों मतलब कोई भी ये चीज़ अगर रह जाती है, कई बार उत्थे कवर नहीं हुई सी वो थोनों इतने कवर करवाई जा रही है, तो सारी चीज़ा ध्यान च रखनिया ने। बाकी देखो एक गल होर, हर चीज़ मेहनत करन नाल मिलती है। ठीक है, जेकर तुसीं बनी बनाई चीज़ा थोनों सोच रहे हो मिली जाएगी, हुण थोनों असीं इन्नी मेहनत कर रहे हैं थोड़े वास्ते कि थोनों कल्ली कल्ली क्लास बना बना के दे रहे हैं। ठीक है, मेरे वालों तो इन्नी ज़्यादा हो रही है कि मैं तो थोनों रिकॉर्ड कर रहा क्लास, मेरे वालों थोनों रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड करन तो बाद एक क्लास थोनों की दे विच मिलेगी, मेरे यूट्यूब दे विच मिल जाती है। ठीक है, यूट्यूब दे विच मिलन तो बाद थोनों की है उत्थे तुसी ये क्लास नू कदों मर्जी जाके, चाहे कदों थोनों टाइम लगता तुसी वो क्लास नू लगा सकते हो। तो लगाने तो बाद ठीक है, वह क्लास दोबारा रिविजन करने वाले भी यही क्लास में दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो कितनी ज़्यादा फैसिलिटी थोनू दे रखी है। ठीक है, तो इस तो बाद जो मेरा यूट्यूब चैनल है उन कर लो तुसी सबसक्राइब। ठीक है, ता जो थोनू जड़ी मैं वीडियो पाई जाऊँगा वो थोनू डायरेक्टली थोनू मिलती रहनी। ठीक है, तो नाल कोई कमेंट करने ने उत्थे, कोई वीडियो किवें लगी उत्थे कमेंट कर सकते हो। तो बाकी मैं उम्मीद करता कि सारे बच्चे 100% अपनी प्रेजेंस देंगे। तो अपना ख्याल रखियो, तो सुरक्षित रहियो। जय हिंद।